हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आइए देखते हैं ट्रिपल सी न्यू सिलेबस की आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो यहां पे हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, और इसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी हायरार्की, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कौन कौन से यूनिट्स होती हैं, और प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये सभी टॉपिक्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप न्यू सिलेबस की सभी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके न्यू सिलेबस की एक प्लेलिस्ट है जहां से आप सभी क्लासेस के एक साथ वीडियोस देख सकते हैं। तो ये एक हम यहाँ पे ई बुक डिजाइन कर रहे हैं जो कि न्यू सिलेबस पे आधारित है। जल्दी ये ई बुक कंप्लीट होने वाली है, तो इससे आप पूरा ट्रिपल सी का नया सिलेबस पढ़ पाएंगे। और ये सभी टॉपिक्स हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहां से आप ये थियरी कंटेंट भी पढ़ सकते हैं, साथ में आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के काफी सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है और आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा। तो आज की क्लास में हम चैप्टर वन को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन। ये चैप्टर वन के लास्ट टॉपिक है जिनको आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम काफी डिटेल में कई अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है इससे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम होता है फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो कई सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक प्रोग्राम बनता है। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कई सारे प्रोग्राम्स को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी कुछ डेफिनेशन दी गई है। जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों या इंस्ट्रक्शंस अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, प्रोग्रामों के सेट को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। मीन्स हमारा एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर होता है कई अलग अलग तरीके के हार्डवेयर पे रन करके उनकी कैपेसिटी या वर्किंग कैपेसिटी को इनहेंस करता है या इंक्रीज करता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, मीन्स हम जो इनपुट डेटा देते हैं उसको प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस तो बेसिकली हमारा प्रोसेसर करता है, लेकिन प्रोसेसर किस तरीके से उस डेटा को प्रोसेस करेगा, उसमें कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई करेगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे सॉफ्टवेयर पे। तो मैक्सिमम जो हमारा प्रोसेस होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी एक खास काम को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे कि एमएस ऑफिस, इसमें आपको कई अलग अलग पैकेजेस मिलते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो यहाँ पे कुछ लाइन से आप इजीली समझ पाएंगे। और यहाँ पे ये पूरा कंटेंट मैं खुद ही लिख रहा हूँ, इस पूरी ई बुक को मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। जो आपका नया ट्रिपल सी का सिलेबस है उस पर आधारित सभी टॉपिक्स यहाँ पे मैं खुद से लिख रहा हूँ और काफी अच्छी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा टॉपिक इजिली आपको समझ में आए। इस वजह से यहाँ पे हम भाषा को भी थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कई अलग अलग तरीके के हम काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को हमें प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एमएस वर्ड यूज करते हैं। अगर हमें कोई फोटो से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, कोई फोटो एडिट करना है, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करना है तो उसके लिए हम फोटोशॉप यूज करते हैं। या हमें कोई बैनर पोस्टर डिजाइन करना है तो उसके लिए हम कोरल ड्रा का उपयोग करते हैं। और अगर हमें कुछ बैंकिंग या अकाउंट से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है तो हम उसके लिए टैली जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को यूजर की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है ताकि उससे जुड़ी हुई सभी तरीके की इंफॉर्मेशन या टूल्स उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हों। तो यहाँ पे आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप, इंटरनेट ब्राउजर, टैली, पेज मेकर, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो अब हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। तो इस एक लाइन में काफी कुछ छिपा हुआ है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, उनके विभिन्न भागों में देख रेख करता है। तो मीन्स हमारे सिस्टम को या हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि उसके सभी कंपोनेंट को नियंत्रित करता है या उनकी देख रेख करता है, तथा कंप्यूटर में लगी सभी हार्डवेयर की क्षमता का अच्छे से उपयोग करने के लिए बनाया जाता है, ताकि जो हमारा हार्डवेयर है उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जा सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर को कंप्यूटर प्रोग्राम करने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से हम कंप्यूटर में प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो कार्यों के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग प्रोग्राम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जो सिस्टम को मैनेज करता है। इन प्रोग्राम्स का मुख्य कार्य कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए सभी हार्डवेयर जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मेमोरी आदि विभिन्न भागों को उचित मैनेजमेंट करते हैं और इनके बीच समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। तो जो हमारे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो पूरी तरीके से हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से चलाते हैं, ताकि उनका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो अब आप यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कई अलग अलग तरीके के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर्स में उपयोग करते हैं, जैसे कि डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बैकअप यूटिलिटी या फिर एंटीवायरस, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि निम्न में कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल या कोई भी ऑप्शन वहां पे दिया होगा जिससे आप इजिली समझ सकते हैं कि इनमें से ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करते हैं। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, और साथ में जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, ताकि इन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम वहां पर इस्तेमाल कर पाए या वहां पर इंस्टॉल कर पाए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेवलपिंग प्रोग्राम्स की। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग करके अन्य सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है या उनको हम डेवलप करते हैं। तो ये होते हैं यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक उदाहरण होता है डेवलपिंग प्रोग्राम्स का। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सभी क्या है, डेवलपिंग प्रोग्राम के उदाहरण है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ ऐसी लैंग्वेज को प्रयोग करते हैं जो हमें समझ में आती। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, मीन्स 01 की भाषा को समझता है। तो अगर हम कोई भी प्रोग्राम 01 की भाषा में लिखते हैं तो वो हमारे लिए समझना काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, जैसे कि C, C++, जावा, ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, अगर हम इन हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए तो हमारे कंप्यूटर के लिए यूजलेस है, क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आते है। तो यहाँ पे हम उपयोग करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर को, मीन्स हम जो हाई लेवल में प्रोग्राम लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा गया प्रोग्राम है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें से कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का उपयोग करते हैं। तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या है, तो इसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसका काम करने का तरीका क्या होता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है और उसमें जितने भी एरर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करता है, उसके बाद आपको एरर मैसेज देता है कि इस लाइन में ये एरर है। जैसे ही आप उस पूरी एरर को रिमूव कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, कंपाइलर उस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार रीड करता है और उसे एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर दोनों एक काम करते हैं, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम करने का जो तरीका है वो अलग होता है।
इंटरप्रेटर क्या करता है, किसी एक प्रोग्राम की हर एक लाइन को रीड करता है और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो मीन्स ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है और उसको मशीन लेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करता है। अब हम बात करते हैं असेंबलर। असेंबलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेबल लैंग्वेज मींस 01 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो कई अलग अलग तरीके के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के विश्लेषण मींस एनालिसिस, कॉन्फिगर और मेंटेन रखने में मदद करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। जो उपयोगकर्ता को पाठ, दस्तावेज बनाने, गेम खेलने, संगीत सुनने या वेब सर्फ करने जैसी चीजों को करने की अनुमति देता है, जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, कॉन्फ़िगर करने में या मेंटेन करने में मदद करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स के बारे में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हिंदी में उपयोगिता सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो वायरस स्कैनर मींस जो हमारे एंटीवायरस होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर जो होता है वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम मॉनिटर कि जो भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं वो सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। फाइल प्रबंधन भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला टॉपिक है हमारा ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस बार नए सिलेबस में एड किया गया है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिनको आप डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ एक बेनिफिट होता है, यहाँ पे आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट या कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे और आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे किसी भी तरीके की लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट और होता है कि जो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके साथ उनका कोड भी मिलता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो उस कोड को यूज करके आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को चेंज भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है प्रोग्रामर्स के लिए। तो कई अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं और ये फ्रीली अवेलेबल हैं, जिनको हम बिना किसी पैसे के या बिना किसी लाइसेंस को परचेज किए इन सॉफ्टवेयर्स को हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइंस में आप इजीली समझ पाएंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है और जो इससे बनने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल स्रोत कोड प्रदान करता है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ आपको कोड भी मिलता है और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज रखते हैं तो आप उस कोड को मॉडिफाई करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ओपन ऑफिस एक काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम एक पैकेज यूज करते हैं, इसमें कई अलग अलग पैकेज होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। इसी तरीके का एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि ओपन ऑफिस ORG नाम से है और इसमें भी हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे पैकेजेस मिलते हैं जिनको हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, लाइनेक्स, उबंटू। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनेक्स पे आधारित है और ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको लेने के लिए, यूज करने के लिए हमें सबसे पहले लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, मींस उसको हमें खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही इन सॉफ्टवेयर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मालिकाना सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को, बंद स्रोत सॉफ्टवेयर इनको बोलते हैं, का मतलब है कि सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी सॉफ्टवेयर का मालिक है। तो इसलिए आप इन लाइन से समझ पाएंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ये जिस कंपनी द्वारा डेवलप किए जाते हैं उसकी मालिकाना हक उस सॉफ्टवेयर पे होता है और कोई भी उस कंपनी की अनुमति के बिना इसे डुप्लीकेट या वितरित नहीं कर सकता है। और यदि वे मालिकाना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर कंपनी को भुगतान करना होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पेड सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें लाइसेंस परचेज करने की जरूरत होती है। कोलर ड्रा, एडोब फोटोशॉप, टैली, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सभी क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले इनका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है और उसके बाद ही हम लीगली इन सॉफ्टवेयर्स को अपने सिस्टम पे या कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी नया टॉपिक है जो कि नए सिलेबस में ऐड किया गया है। तो आइए देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है। आप सभी अपने मोबाइल में कई अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन यूज करते होंगे, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स में हम समझेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसे आमतौर पर ऐप के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन को हम ऐप के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे मोबाइल डिवाइस पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर। कई अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन डिजाइन किए जाते हैं जो कि टैबलेट या कंप्यूटर पर इस्तेमाल होते हैं, उसी तरीके से मोबाइल ऐप मोबाइल पे इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन या डेवलप किए जाते हैं। तो अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन अक्सर पीसी पर कार्य करने वालों के समान सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि हम जो काम कंप्यूटर पे करते हैं उसी तरीके की कुछ सुविधाएं हमें मोबाइल ऐप के थ्रू अपने मोबाइल पे करने की अनुमति मिलती है या सुविधा मिलती है जिनका हम उपयोग हम अपने मोबाइल फोन पे कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये ऐप सॉफ्टवेयर कहाँ से लोकप्रिय हुए, तो एप्पल आईएनसी जो कि एप्पल के फोन या डिवाइसेस को डेवलप करती है, इसके ऐप स्टोर द्वारा ये काफी लोकप्रिय किया गया इनको, जो आईफोन, आईपैड और आई टच के साथ इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हजारों एप्लीकेशन प्रदान किए जाते थे और यहीं से इनकी लोकप्रियता बढ़ी, जिससे आज के डेट में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करने वाले एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके अपने फोन पे इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आमतौर पर एप्लीकेशन वितरण प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किए जाते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जो हमारे ऐप होते हैं वो किसी ऐप डेवलपमेंट कंपनी द्वारा एक स्टोर में पहले से अपलोड रहते हैं, जहां से आप उसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप iOS यूज करें, मीन्स एप्पल का फोन यूज करें, तो आपको एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस्तेमाल करना होता है, और अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो हमारा डेवलपर होता है या ओएस प्रोवाइडर होता है, वो अपने प्ले स्टोर या अपने ऐप स्टोर से आपको इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, और कुछ एप्लीकेशन मुफ्त होते हैं जिनको आप फ्री में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ पेड भी होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ छोटा मोटा अमाउंट पे भी करना पड़ता है। तो अब अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के ऐप होते हैं जिनका हम इस्तेमाल अपने फोन्स में करते हैं, तो सबसे पहला है नेटिव ऐप्स, वेब ऐप और हाइब्रिड ऐप। ये तीन तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने फोन्स पे करते हैं। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि नेटिव ऐप क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेब ऐप्स क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हाइब्रिड ऐप क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटिव ऐप की। तो नेटिव ऐप ऐसे ऐप होते हैं जिनको किसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन या डेवलप किया जाता है, जिनका सिर्फ उपयोग उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया जा सकता है। जैसे एंड्रॉयड के लिए डेवलप किए गए ऐप्स को हम सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी खास प्रकार की डिवाइस पे इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके के एप्लीकेशन या इस तरीके के जो हमारे ऐप होते हैं उनको हम नेटिव ऐप बोलते हैं। जैसे आप आईफोन द्वारा डेवलप किए गए या फिर एप्पल के द्वारा प्रोवाइड किए गए जो एप्लीकेशन होते हैं उनको हम आईफोन्स पे या iOS पे इंस्टॉल करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी तरीके से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन या डेवलप किए गए ऐप्स को या एप्लीकेशंस को हम सिर्फ एंड्रॉयड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो एप्लीकेशंस होते हैं जिनको खास तौर पे किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी एक खास प्लेटफॉर्म पे या किसी एक खास डिवाइस पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरीके के सभी एप्लीकेशंस को हम नेटिव एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे वेब ऐप्स की। तो इस तरह के ऐप नेटिव ऐप के समान ही व्यवहार करते हैं। वेब ऐप चलाने के लिए एक वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं, और आमतौर पे HTML5 जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम HTML वेब पेजेस को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट या CSS जिसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं में लिखा जाता है। ये ऐप किसी उपयोगकर्ता को URL पर, मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर
रिडायरेक्ट करते हैं और केवल उसके पृष्ठ पर एक बुकमार्क बनाकर इंस्टॉल विकल्प प्रदान करते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं या इंस्टॉल करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाइब्रिड एप्लीकेशन की। तो हाइब्रिड एप्लीकेशन नेटिव और वेब एप्लीकेशन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन। तो एक हाइब्रिड एप्लीकेशन जिसको हाइब्रिड ऐप बोलते हैं वह जो नेटिव और वेब एप्लीकेशन दोनों के तत्वों को जोड़कर बनता है। नेटिव एप्लीकेशन को एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म के लिए विकसित किया जाता है जो एक कंप्यूटिंग डिवाइस पर स्थापित किया जाता है, मीन्स इंस्टॉल किया जाता है। एक वेब एप्लीकेशन को कई प्लेटफॉर्मों के लिए सामान्यकृत किया जाता है या स्थायी रूप से स्थापित नहीं किया जाता है, लेकिन एक ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। मींस यहां पे जो हमारे हाइब्रिड एप्लीकेशंस होते हैं उनको किसी स्टोर पे पहले से अपलोड करके नहीं रखा जा सकता है या नहीं रखा जाता है जिसे आप डायरेक्टली डाउनलोड करके उसे इस्तेमाल कर सके। इसको किसी वेबसाइट पे होस्ट किया जाता है, वहां से आप डाउनलोड करके इसे आप अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हाइब्रिड ऐप का उल्लेख अक्सर मोबाइल कंप्यूटिंग के संदर्भ में किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के उदाहरण की। तो आई होप ये टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप सभी को ढेर सारे एप्लीकेशंस के नाम पता होंगे। आए दिन आप अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आपको पता होगा बहुत अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन हैं। मैं यहाँ पे कुछ सिंपल से एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि फेसबुक ऐप होता है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्रोम, जीमेल, व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव या फिर यूट्यूब। इस तरीके के काफी पॉपुलर एप्लीकेशन हैं जिनको आए दिन हम अपने सिस्टम पे इस्तेमाल करते रहते हैं या अपने मोबाइल पे इन सभी ऐप्स का प्रयोग करते हैं। तो आई होप इससे काफी कुछ समझ में आ चुका होगा कि मोबाइल ऐप क्या होते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप प्रीवियस क्लासेस के सभी वीडियोस देख पाएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके न्यू ट्रिपल सी सिलेबस की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पे आपको न्यू सिलेबस पर आधारित सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। तो आप वहां से देखना स्टार्ट करें, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करिए, क्योंकि यहां पे हम सिलेबस को हर एक टॉपिक को काफी डिटेल में कवर कर रहे हैं। जो नया सिलेबस है उस पर आधारित हम एक ई बुक भी तैयार कर रहे हैं जिससे हम आपको वीडियोस में पढ़ा रहे हैं, और ये ई बुक जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। और इसके सभी टॉपिक्स या इसका पूरा कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट www.gyanxp.com पे मिलेगा जहां से आप ये सारे टॉपिक्स रीड कर पाएंगे। और आप www.gyanxp.com पे CCC के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और यहां पे आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।